हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं व्हाट परसेंट इज। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं और ये हमें बताना है 16 आवर्स ऑफ 2 डेज, मतलब जो 16 आवर्स है 2 डेज का कितना परसेंट। परसेंट का सिंबल ये होता है, ठीक है। हमें इसको परसेंट में चेंज करना है। मान लीजिए हमें 10 में से 8 मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 25। हमें इसका परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हमें 16 आवर्स हैं और 2 डेज हैं, इसमें हमें दोनों मार्क्स थे, ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहला मोटिव रहता है कि हमें इनके यूनिट सेम करने हैं। यूनिट सेम का मतलब होता है ये आवर्स है तो ये भी आवर्स में चेंज होना चाहिए, ये डेज है तो या ये भी डेज में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो चेंजेस करते हैं वो हम देखते हैं हमें इजी क्या लगेगा, मतलब चेंज करना। हम आवर्स को भी डेज में चेंज कर सकते हैं और डेज को भी हम आवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ है तो डेज को हमें आवर्स में चेंज करेंगे, मतलब जो बड़ी यूनिट होगी, जब बड़ा होता है उसको हम छोटे में चेंज करना ईजी होता है। तो 1 डे इक्वल टू क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं। तो 2 डेज में कितने दिन होंगे, कितने आवर्स होंगे, 2 डेज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 48 आवर्स होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बन रहा था 16 आवर्स अपॉन 2 डेज, ये आवर्स में थे और ये डेज में थे। हमने इनको कन्वर्ट किस में कर दिया, 16 आवर्स तो 16 आवर्स में ही है, 2 डेज को मैंने 48 आर्स में चेंज कर दिया। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, परसेंट में। परसेंट में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया। अब हम कट करेंगे, मींस इसको काटेंगे। कैसे, 16 के टेबल में 48 आता है, लेकिन अगर हमें 16 का टेबल नहीं आता हो तो क्या करेंगे, 8 के टेबल से भी दोनों जा रहे हैं, हम उससे भी नीचे जाते हैं, 4 से काटते हैं। 4 से भी नहीं समझ आए तो हम 2 से काटेंगे, ठीक है। 4 4 16 होता है और 4 1 4, 4 2 8। अब ऊपर 4 आता है, नीचे 12 आता है, तो 4 1 4, 4 3 12, क्या आता है ऊपर, 100 100 अपॉन 3। ऐसा कुछ अब देखेंगे, 100 को किससे डिवाइड करना है मुझे, 3 से। 3 3 9, माइनस करा 1, यहाँ 0 कॉपी, 3 3 9 अपॉन में 1, ठीक है। मैं 1 करती जाऊंगी, पॉइंट भी लगा देंगे तो ये 3 3 आता जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नीचे वाला मैंने भी बताया था जो रिमाइंडर में रहता है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये यहाँ परसेंटेज लग चुकी है, ठीक है, इसको बस हमें सॉल्व करना है। इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज, इम्प्रॉपर है और हम इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो जो रिमाइंडर में आया है वो हमारा ऊपर जाता है, जो क्वेशेंट होता है वो मिडल पार्ट में आता है और जो बेस जो है हमारा डिनोमिनेटर में 3, जो डिवाइजर है वो ऐसे आएगा, ठीक है। अगर हमें इसको डेसिमल में आंसर में आएगा और हमें डेसिमल में लिखना होगा तो जैसे अब यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 आ गया, 3 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, तो ये 3 3 आता जाएगा। तो हम इसको 33.33% भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा तो ये आंसर आप यहीं छोड़ देंगे, अगर मिक्स किसी में भी नहीं पूछा है हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, लेकिन डेसिमल में पूछा है कि डेसिमल्स में होने चाहिए तो हमें यहाँ तक करना होगा, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पैसा ऑफ ₹2, वॉट परसेंट इज 40 पैसा ऑफ ₹2। 40 पैसा 2 रुपीज का कितना परसेंट है, ठीक है। देखेंगे पैसा को हम रुपीज में चेंज करेंगे, डेसिमल आएगा तो यहाँ हम रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। रुपीज 1 इक्वल टू 100 पैसा, रुपीज 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100
हंड्रेड पैसे। जो बड़ी यूनिट है उसको हम छोटी यूनिट में चेंज करेंगे। जब भी हमें कन्वर्जन का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें यूनिट सेम करनी होगी, चाहे परसेंटेज हो, रेशो हो, तो उसमें हम ऐसे ही करेंगे। तो रुपीज़ वन इक्वल टू हंड्रेड पैसा होता है, ये सबको पता है। तो टू रुपीज़ टू में 200 पैसा होगा, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 40 पैसे थे और 2 रुपीज़ थे, यूनिट सेम नहीं थी। तो हमने इसको कैसे चेंज कर दिया, ये रुपीज़ में था और ये पैसे में था, हमने दोनों को पैसा बना दिया। तो ये 40 पैसा हो गया और रुपीज़ को भी पैसे में चेंज करके 200 पैसा हो गया। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई है। अब हमें करना है इसको परसेंट में चेंज। तो परसेंट लगाने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। याद रखिएगा, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, और परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। किसी भी चीज़ को परसेंट में चेंज करना हो, परसेंटेज निकालनी हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, ये बहुत ईजी है। 100 वन जा 100, 100 टू जा 200। ऐसे भी नहीं करते हैं तो ऐसे एक दो जीरो से दो जीरो चले गए, टू बचा, 40 और 2 बचते हैं, तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 और 0 कितना आता है 20। तो ये 20 100 लगाते ये परसेंट में चेंज हो गया था 20%। 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर्स। अब 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, इसको मैं अगर मीटर में चेंज करूं तो पॉइंट आ जाएगा। तो मुझे डेसिमल में नहीं अभी करना है, मैं मीटर जैसा बताया जो बड़ी यूनिट होती है उसको चेंज कर देंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 4 मीटर में 4 × 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर हो गए, ओके। तो 25 सेंटीमीटर और नीचे 4 मीटर था, ये सेंटीमीटर था और यहाँ मीटर था, था। अब मैंने इसको दोनों को ही सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, नीचे वाले को मैंने 400 करके सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। सेकंड थिंग याद रखेंगे, पहले जिसको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते हैं, आते हुए क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं कि इसमें करना क्या था, एग्जाम टाइम में भी वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं कि हमें करना क्या था, हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन इसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट परसेंट इज, व्हाट परसेंट इज 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर जो है, 25 सेंटीमीटर जो है वो कितना परसेंट है 4 मीटर का। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऑफ मतलब जहां होगा हमने मल्टीप्लाई करनी है। अब ये एक चीज देखेंगे, जब मुझे इसको परसेंट में चेंज करना है तो बहुत इजी है, सिर्फ मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट में तो चेंज हो गया, बट मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। ये मैंने आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये 100 डेनोमिनेटर में यूज होगा, न्यूमरेटर में यूज होगा, हम ऊपर से बच्चे ऊपर से नीचे काटने लगते हैं। तो इसके नीचे हमने डेनोमिनेटर में 1 लगा दिया। अब ये दोनों पोर्शन जो है वो ऊपर के हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ऊपर 1 बचता है, नीचे 4 बचता है। क्या आया मेरा 25 डिवाइड बाय 4 बचता है, हाँ, तो 25 बाय 4 हो गया। अब ऊपर यहाँ 25 था, यहाँ 1 बचा, तो 25 होता है, नीचे 4 × 1 4 हो गया। अब हमने करना क्या है, 25 को 4 से डिवाइड करना है, 25 को हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। रफ 4 का टेबल पढ़े, 4 × 6 = 24, माइनस करके 1 आता है। नीचे वाला हमेशा याद रखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के लिए नीचे वाला ये ऊपर चला जाता है और ये ऊपर वाला मिडल में आता है, बीच में आता है। ये कि बस नीचे वाला ऊपर याद रख लीजिएगा, आपको सब याद रहेगा। उसके पीछे क्या है, देखिए 4 की प्लेस 4 की पे ही रहेगी, इट विल नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाला ऊपर गया, ये आ गया, अब बसता 6 है, 6 तो यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही चेंज किया जाता है। डिवाइड करेंगे और जो नीचे हमारा रिमाइंडर जो बचता है, आगे तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, तो रिमाइंडर जो हमारा बचता है ये ऊपर जाता है। बस इसको याद रखिएगा, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है ये हम ऊपर रखेंगे। ओके, तो अब आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू। Thank you.